ॐ श्री परमात्मने नमः। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति ईयः यः अघ आयुः इन्द्रियः रामः मोघं पार्थ सह जीवति। एवं यानी इस प्रकार प्रवर्तितम वेदों द्वारा स्थापित चक्रम चक्र नहीं न ही यानी नहीं अनुवर्तयति ग्रहण करना इह यानी इस जीवन में अघ आयु पाप पूर्ण जीवन इंद्रिय आराम यानी इंद्रिया आसक्त मोघम यानी वृथा पार्थ मने हे प्रथापुत्र अर्जुन सह वह जीवति यानी जीवित रहता है। हे प्रिय अर्जुन जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए ही व्यर्थ ही अपना जीवन खराब कर लेता है और उसके लिए ही वो जीवित रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिया अतृप्त का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियम के अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है जिसे कर्मयोग ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योनियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्णा भावना भावित नहीं हैं वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषय उन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वो अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने में कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करे परंतु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सके। तो इसमें भगवान कहते हैं कि हे पार्थ जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता अर्थात शास्त्र के अनुसार कर्मों को नहीं करता वो इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। सृष्टि चक्र में मनुष्य का क्या सहयोग है? संक्षेप में इस प्रकार से चलते हुए सृष्टि चक्र में मनुष्य का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिस्थितियों और प्रारब्धवश जो कुछ भी कर्तव्य कर्म मनुष्य को प्राप्त हो उसको सुख की आशा त्याग कर केवल इसलिए चलाते रहना चाहिए जिससे सृष्टि चक्र की शुभ व्यवस्था बनी रहे। जो मनुष्य इस प्रकार कर्तव्य पालन नहीं करता और इस स्वाभाविक रूप से चलते हुए चक्र से केवल अपने तुच्छ हित के लिए अथवा कामनाओं की पूर्ति के लिए अथवा भोगने की दृष्टि से केवल लाभ उठाने की दृष्टि रखता है उसे इस श्लोक में भगवान ने पापायु कहा है और उसके जीवन को व्यर्थ ही कहा है। साधारण मनुष्य के लिए मुख्य रूप से पंच महायज्ञ का विधान किया गया है।
परंतु साथ में सभी लोक हित के कार्य निस्वार्थ भाव से करने पर उसका महत्व यज्ञ जैसा ही हो जाता है। संक्षेप में पंच महायज्ञों को इस प्रकार समझाया गया है कि ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, ये क्या है? सत शास्त्रों का स्वाध्याय, यानी जितने भी शास्त्र हैं उनके बारे में आप अध्ययन करिए, ध्यान करिए, जप करिए। इन सभी चीजों के द्वारा मनुष्य अपने चित्त को सांसारिक प्रपंच से उठाकर आत्म साक्षात्कार में लगाता है। देव यज्ञ, इसमें प्रमुखतः हवन आता है जिसके द्वारा देवताओं को हविष्य देने की क्रिया की जाती है। अतिथि यज्ञ, बिना सूचना दिए अथवा सूचना देकर कोई भी व्यक्ति घर पर आए तो उसका हर्षपूर्वक स्वागत करना, बैठने का स्थान देना, शीतल जल देना और सबसे मुख्य बात यह है कि उससे मधुर संभाषण करना। पितृयज्ञ, अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा की भावना से पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण आदि को भोजन कराना। बलि वैश्व देव यज्ञ, जिन पशु पक्षियों का जीवन मनुष्य द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थों पर चलता है, जैसे गाय, कुत्ते, चिड़िया इत्यादि, उनके निमित्त अन्न के दाने, रोटी, जल आदि रखना। संक्षेप में इन शक्तियों और जीवों का मनुष्य से नित्य प्रति का गहरा संबंध है। उनके प्रति अपने कर्तव्य न करके केवल अपने ही सुख भोग में रत रहने से मनुष्य अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देता है। इसलिए ऐसे मनुष्य के जीवन धारण को व्यर्थ बताया गया है। उपर्युक्त लोकहितकारी कर्तव्य सबके लिए आवश्यक कर्म बताए गए हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हमने आपको एक्सप्लेन किए, जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ और बलि वैश्व देव यज्ञ, ये सारी चीज जो यज्ञ होते हैं उसमें लोकहितकारी कर्तव्य का जो वो है वो दिखाई देता है। और पर मनुष्य में एक अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी उन व्यक्तियों की है जो किसी से किसी प्रकार की भी आशा न रखकर केवल अपने आत्म आनंद में रमण करते हैं। उनके लिए भगवान कहते हैं, यह तु आत्मरति एव सयात आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यह यानी जो, तू लेकिन, आत्मरति आत्मा में ही आनंद लेते हुए, एव यानी निश्चय ही, सयात रहता है, आत्मतृप्तः यानी स्वयं प्रकाशित, मानव मनुष्य, आत्मनि अपने में, एव केवल, च यानी तथा, संतुष्ट पूर्णतया संतुष्ट, तस्य यानी उसका, कार्यम कर्तव्य, न मन यानी नहीं, विद्यते यानी रहता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। अर्थात जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना मृत के कार्यों में पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। अभी भगवान भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका जो कर्तव्य है निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा, सुंदरी तथा अन्य प्रलोभन में कोई आनंद मिलता है। तो जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला होता है और आत्मा में ही तृप्त होता है तथा आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य ही नहीं होता। आत्मा राम महात्मा की स्थिति कर्तव्य के ऊपर। ऐसे महात्मा जन केवल स्वाभाविक रूप से परमात्मा के चिंतन में ही संलग्न रहते हैं। इस कारण
से वे अपने में ही संतुष्ट रहते हैं और संसार से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते। उनका चित्त हर्ष शोक इत्यादि की पहुंच से बाहर हो जाता है और यद्यपि वे किसी से भी कुछ आशा नहीं रखते, परंतु उनके द्वारा जो कुछ भी कार्य होता है उससे संसार का हित ही होता है। ऐसे ज्ञानी महात्मा और सिद्ध पुरुष विरले ही होते हैं और उनके लिए किसी भी कर्तव्य का विधान नहीं होता, क्योंकि वे वेद की मर्यादा से भी ऊपर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा यदि कोई यज्ञ रूपी कर्तव्य किया जाता है तो वो न दिखाई देता है और उससे ये नहीं समझना चाहिए कि जब ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों अपने कर्तव्य करें। भगवान ने स्पष्ट विधान किया है कि उनके लिए कोई यज्ञ अथवा कर्तव्य नहीं। इस श्रेणी के दुर्लभ व्यक्तियों का वर्णन भगवान अपने अगले श्लोकों में करेंगे। हरिओम तत्सत।